दोस्तों आज हम अनबॉक्स करेंगे आई टच 3D पेन। इसमें आप अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं और मैं आपको कुछ बनाकर भी दिखाऊंगा। उससे पहले हम इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसके साथ आपको क्या क्या सामान मिलता है और इसके अलावा ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम डब्बा खोलेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ कैटलॉग्स मिलेंगे जिनमें चित्र बने हुए हैं। इसी तरह डिजाइन कर कर हम इनमें चित्र बना सकते हैं और ये कुछ कार्ड्स आपको मिलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं और कुछ यूज़र मैनुअल भी इसके साथ आपको मिलेगा। इसके अलावा इसकी डाटा केबल मिलेगी आपको जिससे आप इसको चार्ज करेंगे और इसके अलावा एक चार्जर है और इसके अलावा एक स्टैंड भी इसका दिख रहा है मुझे डब्बे में। अभी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। यह शायद इसका स्टैंड है जिसमें आप इसको रख सकते हैं। ये सामान इसके साथ मिलता है और इसके साथ कुछ स्टिक भी आती हैं इसकी जिनको आप इसमें लगाकर और कलरफुल स्टिक हैं आपकी आप इनके अलावा अलग से भी मंगवा सकते हैं और काफ़ी सारे कलर इसमें आते हैं जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए और जिस तरह जो भी आपको कलर चाहिए उस तरह आप इसको काम में ले सकते हैं। इस तरह स्टैंड इसका लग जाता है और यहाँ पर इसके कुछ बटन्स दिए गए हैं जिससे इसका जो स्टिक है बाहर निकलती है गर्म होकर और जिससे हम डिज़ाइन बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें पीछे एक स्टिक का जगह है जहाँ से स्टिक डलेगी और एक चार्जिंग का पिन है इसमें और इसके अलावा ये ऑन ऑफ का स्विच है और इसके साइड में बटन दिए गए हैं। एक इंडिकेटर दिया गया है इसको आगे खिसकाने के लिए। स्टिक जो होती है इसको दबा के रखेंगे तब बाहर आएगी गर्म होकर जिससे आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा बनाकर और कुछ हमने पहले से बनवा रखे हैं। तो दोस्तों ये तो इसकी चार्जिंग पिन है और ऊपर वाला जो सुराख है इसमें आपकी स्टिक लगेगी। इस तरह ये ऑन हो जाता है। इसमें रेड इंडिकेटर आ जाएगा इसका मतलब ये चालू और चार्ज है और जैसे ये फुल हो जाएगा तो इसका ये इंडिकेटर ब्लू हो जाएगा। और इसके अलावा जो स्टिक लगेगी वो स्टिक आप इसमें इस तरह डाल सकते हैं और जैसे ही स्टिक डालेंगे और बस इसको आप दबाना है और आप जैसे इसको बटन को दबाएंगे और हल्का सा पीछे से प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी और इसके बाद ये हीट होगा और आप इस पर कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस पेपर पे जो इसके साथ आता है जैसा कोई भी चित्र है नीचे उसके ऊपर ये रख लीजिए और उस पर लाइनिंग के हिसाब से आप चला दीजिए। फिलहाल यहाँ पर आप कुछ नाम वगैरह लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरह नाम लिख सकते हैं। मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। इसके अलावा इस तरह के डिज़ाइन भी हमने इससे बनाए हैं और ये इंडिया का नक्शा हमने इससे बनाया है कैटलॉग में से। और इस तरह के खिलौने आप इनसे बना सकते हैं और इसको आपको प्रेस रखना होता करना होता है उसके बाद इसमें से ये निकलती है स्टिक गर्म होकर और उसका आप डिज़ाइन कुछ भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा डिज़ाइन इसमें बन जाता है। इसके अलावा इसके कलर अलग अलग कलर भी हैं। आप चाहें जौन सा कलर इस स्टिक में डाल सकते हैं और उसके हिसाब से इस तरह के कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों इस स्टिक की काफ़ी लंबाई आती है और बहुत अच्छा शानदार ये प्रोडक्ट है। लगभग 1949 रुपये का ये आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।